हाँ लुक के राइट में आया ना पोस्टर लाइट अब राइट में लेफ्ट में लेफ्ट आदि नाउ लेफ्ट राइट 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 हीरोइन थैंक यू लेकिन यार तू गरम है और फूड ये नहीं मेरा राइट में राइट में पहले बोल गया ना हाँ स्कूल बोलिए और हेवी नहीं है हाँ मैम टर्न हो जाइए ना थोड़ा थैंक यू थैंक यू सेंटर प्लीज सर यहाँ पे विक्रम सर यहाँ सर स्टेट है सर काम तो लगे एक साथ में लंच एक साथ में अरे रुक ना वो अंदर होएगा ना साथ में क्या होएगा समोसा खा के भाग जाएगा मैं कुछ बोलूं उससे पहले तो हम माइक की जो प्रोमो गाने हैं वो देख लेते हैं बात जो भी कहना है सुनना है यस को तो याद है यहां से निकल रेडी हां चलो भैया दिखा दो और आगे ना वो एक बर्निंग इशू और मुझे लगता है कि कृष्णा ने ये भी क्योंकि मेरी बहुत ही अच्छा काम किया और सर माफी चाहेंगे थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे कि एम्बियंस ही लेना पड़ेगा माइक है माइक अगर पॉसिबल है आवाज सुनो नहीं आ रही बोलने के लिए कैच कर लेंगे हां आगे बता दो ठीक है तो मैं काम करता हूँ बोलता ही नहीं हूँ मैं नहीं बोली प्लीज मैं जिन्होंने काम किया है एक्चुअली उनको बुलाना चाहूँगा क्योंकि मैंने कहानी लिखी है लेकिन जो हिम्मत का काम किया है वो कृष्णा ने और ये दो लड़कियों ने किया है क्योंकि ऐसी कहानी बनाना ऐसी कहानी को ऐसी कहानी में इतने कन्विक्शन के साथ एक्ट करना बाकियों को तो पता नहीं लेकिन मुझे ही एहसास दिलाना कि शायद
एक्चुअली कुछ चक्कर चल रहा है तो ये बड़ा ही कमाल काम किया है इन्होंने कि मैं भी कभी कभी इनके इंस्टाग्राम पे चला जाता हूँ, चक्कर तो है नहीं लेकिन वहाँ तो कोई कहानी मिली नहीं। कम कृष्णा As I say, she is the lock of the old gym. और दीना जी आइए। Please come. Real, please. अब ये हर लव स्टोरी में ये मेरी लाइफ की तरह जब सब खत्म हो गया तभी हेलो हाँ तो हर एक लव स्टोरी में विलन्स तो होते हैं, तो एक विलन जो है प्रणव, जिसका चेहरा आपने प्रोमो में तो देखा, जिसका घिनौना चेहरा, वो ट्रैफिक में है। और जब भी यहाँ पे व्यू में कोई भी शो होता है तो आदमी फन रिपब्लिक के पास ही अटका हुआ होता है कि मैं फन रिपब्लिक के पास हूँ, कुछ आधे घंटे से वही है। लेकिन सॉरी आई डोंट नो योर नेम, तन्वी, तन्वी इज हियर, कम प्लीज। तन्वी इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स हु इज मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द शो, लेकिन विदाउट एनी टाइम वेस्ट प्लीज कम हियर। मैं माइक इन फ्यूचर जनरेशन को देना चाहूँगा क्योंकि आज का दिन इनका दिन है। आज का दिन is all about what they have been able to achieve, so feel free to ask them. I think y'all can ask questions if y'all want. Yeah, I'm sure they want to. Yeah. So how difficult was it to romance with them? Yeah, this is expected, you know. Sabka pehla question yehi hai, how did you kiss a girl? Of course it is difficult because you never imagine doing all of this. चैलेंजिंग था बट कोई डाउट नहीं था जब कृष्णा ने स्टोरी नरेट की। आई थिंक कृष्णा इज हियर, मैंने वहीं पे कह दिया था यस आई एम डूइंग इट, आई जस्ट वांट टू नो हु इज द गर्ल प्लेइंग ऑपोजिट मी एंड 20 मिनट्स शी वाज द फास्टेस, द बोथ ऑफ देम एक्चुअली 20 मिनट्स। यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस इज, राइट? नो, द गर्ल ऑपोजिट मी, उसके हिसाब से मैं लेस देन बनूंगी। And then you know what that means further? That Nina convinced her to do it. No, I think I asked her the same question. Who's the girl? Yeah, everybody wants to know who's the girl of the girl, not who's the guy. So, Krishna ji, don't you think the subject is very bold for Indian audiences? No, I. Wait. I don't think it's bold for Indian audiences because I think ki hum log underestimate karte apne Indian audiences ko. They are not stupid or they are not backward or orthodox ki hum log sochte ki they are not ready for all this. They are actually very ready and maine jo YouTube pe comments padhe hai, I mean they are so encouraging. There are so many people who want to talk about this openly but cannot. So I think it's not too bold. I think it is time we don't underestimate how intelligent Indians are as heroes. Were you inspired by films like Fire? No, I wasn't inspired by anything except the fact that two people can be in love no matter who they are, what they are, and you should not make a definition of normal based on what you think is normal. Love is love, no matter where. So what next, the feature film? I don't know. Dad, next feature film. प्रोड्यूसर साहब से प्लीज बोलिएगा कि मुझे फीचर फिल्म देखना है। देखते हैं इसका रिपोर्ट क्या आता है। बस अब कहानी आपने लिखी जी, जरा बताएं किस तरीके से आगाज हुआ था माइक पे प्लीज। ये फोन लगा हुआ है किसका है? जैसे माया मन हमने बनाई थी तो माया का जो ये फ्रेंचाइज है वो उसमें हम उस टैबू सब्जेक्ट्स पे बात करना चाह रहे हैं जिस पर कोई और बात नहीं करना चाह रहा। जैसे माया वन BDSM के ऊपर थी और माया टू सेम सेक्स रिलेशनशिप पे है,
लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग ये हंसी मजाक कर लेते हैं और हाउ वाज इट टू किस अ गर्ल और ये सारी बातें कर लेते हैं, बट ऑन द सीरियस साइड मुझे लगता है कि हमने जब सबको इतनी आज़ादी दी है इस देश में, हर किस्म की आज़ादी है, आप अपना मज़हब फॉलो कर सकते हैं, आप अपना मज़हब प्रीच कर सकते हैं, आपके पास हर किस्म की आज़ादी है, सिर्फ इन लोगों के पास आज़ादी नहीं। और हमारा ये मानना है कि अगर हम कहते हैं कि झोड़ियाँ जो हैं वो ऊपर बनाई जाती हैं, स्वर्ग में बनाई जाती है, भगवान बनाता है, हमारे दिलों में प्यार जो है वो ऊपर वाला ही कहीं डालता है, तो अगर ये उसने ही हमें बनाया है और अगर उसने हमें ऐसा बनाया है तो फिर गलत कैसे हो सकता है। कानून अलग बात है, कानून पे विचार विमर्श अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है, देखिए कानून को बदलने वाले हैं, कानून को बदलने के लिए और भी लोग हैं और नेताएं हैं, लेकिन हम अपनी सोच तो बदलें। मुझे दुख इस बात का होता है कि जब कोई प्रोमो आता है तो बहुत से अच्छे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ऐसी लड़कियों को मार देना चाहिए, ऐसी लड़कियों को बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसी सोच क्यों, क्यों इनकी मर्जी नहीं चल सकती, ऐसा क्या है? तो ये जो ख्याल है वो मेरे मन में आया और मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सा कहने को है, एक अच्छी कहानी भी है और कहने को भी है, तो ये मेरे ख्याल से यही थी प्रेरणा इसके पीछे। विक्रम जी, आप ज़्यादातर जाने जाते हैं हॉरर फिल्म के लिए, तो आपने इस सब्जेक्ट का चयन किया? मैं क्या करूं यार, ये हॉरर फिल्म मेरे पीछे पड़ गई है। लेकिन अगर आप वी बी ऑन द वेब जो हमारा ऐप है उस पर जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें हॉरर कुछ है ही नहीं। अनटचेबल्स जो हमने बनाई वो एक कोर्टरूम ड्रामा है, माया 1, माया 2, ट्विस्टेड 1, ट्विस्टेड 2। तो मैं एज ए डायरेक्टर शायद हॉरर बनाना पसंद करता हूँ, या हॉरर चलती है तो लोग मेरे पास बनवाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ऐप का सवाल है, वहाँ अलग अलग डायरेक्टर हैं, कृष्णा है, अनुपम है, सिद्धांत है, तो उनकी अलग अलग पसंद है। और ऐप तो सब लोगों के लिए होता है, सिर्फ हॉरर फैंस के लिए नहीं होता। आप लोगों के लिए कितना चैलेंज था इस तरह से इस तरह की स्टोरी को एक्टिंग करना? वेल, आई वुड से चैलेंज तो कोई भी रोल करो, हर एक में चैलेंज होता है कि आप कोई डिफरेंट रोल करो, बट ये ज़्यादा चैलेंजिंग था बिकॉज सेंसिटिव टॉपिक अगेन, जैसे लव स्टोरी, बट आई एम रियली हैप्पी कि मैं प्ले कर रही हूँ। आई थिंक मैंने ये डिसीजन लेने में आई वुड से मैक्सिमम आधा घंटा लिया होगा, तो मैं ये रोल कर रही हूँ। आई एम रियली हैप्पी, आई एम ग्लैड। In the same day we met Priyal and Leena, and in the same day they both asked the same question. We're meant to be together, you know. We're meant to play Maya. Yeah. And that's because. Villain bana sanskari. आज भी मैंने villain वाली हरकत करी है. तो ये है प्रणव, ये है विकास, और प्रणव के promos देख ही लिए हैं आपने कि कैसे दो बेचारी लड़कियों का पूरा इस्तेमाल करता है ये आदमी। We believe that you have some terrible hate mail coming your way. Yes. Please tell them about जी तो ये वही मैं डर रहा था कि मुझे मैं वही डर रहा था कि मुझे लोग मारे वारे नहीं, बिकॉज व्हाट्स मुझे इजिप्ट से भी सर एक मैसेज आया है, उसमें सर ने लिखा है वी हेट यू ऐसा करके, तो बट मैं रियल लाइफ में वैसा नहीं हूँ, मुझे सर विक्रम सर ऐसा बना देते हर शो में विलन बना देते, अदरवाइज आई एम नॉट लाइक दैट। और सर मेरी मम्मी को लगता है कि आपको मुझे इनोसेंट वाले रोल देने चाहिए, उन्होंने बोला इनोसेंटली तो कर रहा है, बोली बॉर्न इनोसेंट मेड विलन। आपकी नेक्स्ट फिल्म आदत के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं। हाल ही में ऋषि कपूर जी ने एक
कमेंट किया था कि उन्होंने पूरे भट्ट खानदान के साथ काम किया है, तो ये गर्व की बात है आपकी, आप क्या कहेंगे? मेरे साथ नहीं किया, कपूर की बात क्यों कर रहा है यहाँ माया में, कोई लेना देना नहीं है, इतना हमने मस्त लेस्बियन स्टोरी बनाया। क्या आप लोग एक्साइटेड हो वेब सीरीज को देखने के लिए? क्या बोलेंगे, कमेंट कमेंट हो जाएंगे यार कुछ ज्यादा ही, सब लड़के तो हैं हम जो तो ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सो यू कैन डू योर फोटोग्राफ्स एंड आ भैया ये दे आप, ये बहुत जरूरी है, फिर अलग अलग काट के छापना मत। फिलहाल मोबाइल से करना आगे जा क्या बैठ नहीं कौन बोला हाँ मेरा चुन जाएंगे मैं एक बात बताऊं, पहले इन तीनों का वो पहला कर दे, मतलब कि मैं भाग जाऊंगा Thank you. Yes. 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 Yes.
जब एक्चुअली माया वन डैड ने डायरेक्ट की थी तो जब उन्होंने बोला कि तू माया टू कर, मैंने सोचा कि आप तो मेरे को हमेशा आपके कंपैरिजन में ही रहेगा यार, अनटचेबल्स में आप थे, माया वन आपने डायरेक्ट की थी. सो फर्स्टली इट वाज डायरेक्टिंग अ फ्रेंचाइज दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय माय डैड. द सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन ही सेड दैट माया टू शुड बी अ लेस्बियन लव स्टोरी, फर्स्टली व्हेन आई वाज फर्स्ट आई वाज वेरी ब्लोन कि इतना बोल्ड सब्जेक्ट हम कर पाएंगे, विल ऑडियंसेज वार्म अप टू इट. द सेम क्वेश्चंस जो यू नो आप सबके दिमाग में है, आई हैड द सेम क्वेश्चंस. लेकिन द मिनट आई गेव इट लाइक 10 मिनट्स ऑफ थॉट, मैंने कहानी सुनी और 10 मिनट सोचा एंड आई थॉट देर वॉज नो बेटर स्क्रिप्ट देन दिस टू टेल. क्योंकि लव स्टोरीज हम लोग बहुत लड़का लड़की रोम कॉम देख लिया है हम लोगों ने LGBT पे बहुत जोक्स भी बना लिए हैं. आई थिंक बहुत फन एंड फ्रॉलिक वाली शोज बना दिए उन पे. लेकिन देर हैज़ नेवर बीन अ सेंसिटिव लव स्टोरी अबाउट टू पीपल इन लव हु आर विमेन. सो आई थॉट कि देर इज़ नथिंग मोर बोल्ड एंड चैलेंजिंग फॉर मी टू डू नेक्स्ट देन टू डू माय आर्ट. ओके, अगर कैरेक्टर की अगर बात करिए तो कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए किरदार को प्ले करना, उस किरदार को पकड़ना? वेल, हम दोनों के लिए चैलेंजिंग था एंड आई थिंक कृष्णा के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग था बिकॉज हम दोनों को झेलना. हां यार, बहुत तीन लड़कियां सेक्ट होती है तो आपको पता है क्या होता है. बट या आई डोंट थिंक देयर वाज अ प्रॉब्लम. नेवर तो बट हैंडल तो करना पड़ा ना हमको. कृष्णा वाज देयर. नहीं, वो एक्चुअली सिर्फ 3-4 दिन हैंडल करना पड़ा. फिर तो मतलब ये लोग फ्लो में थे यार. फिर मैं सोच रही थी कि इनकी लव स्टोरी एक्चुअली साइड पे चल तो नहीं रही है, ये लोग वैनिटी वैन में जाके कर क्या रहे हैं. कि लोग मतलब इनकी लव इनके बॉयफ्रेंड स्लैश फ्रेंड या जो भी है लड़के इनकी लाइफ में निकलने वाले हैं बहुत जल्दी. उनको डर लगा. इट वॉज फन एंड हम बहुत खुश हैं करके. उस वक्त भी शूटिंग के वक्त भी बहुत मज़ा आया एंड बिकॉज ऑफ कृष्णा. ऑनेस्टली बताऊँ, आई वुड से अगर कंफर्टेबल ज़्यादा थे हम लोग तो शायद इतना सा थोड़ा टाइम लग जाता आई वुड से. बट थैंक्स टू कृष्णा. कृष्णा जी ने भी बताया इस वेब सीरीज के बाद अगर लोगों ने आप लोगों के ऊपर डाउन करना चालू कर दिया तो क्या टेक होगा? एक्चुअली इट्स आवर जॉब. अगर शायद नहीं भी होगा तब भी लोगों ने बोलना है, होगा तब भी बोलना है, तो फर्क नहीं पड़ता. आई एम वेरी एक्चुअली अच्छा है ना, दैट मींस दे बिलीव द स्टोरी. मैं इसी से खुश होंगी कि हाँ ये कन्विंस हो गए. बस हो गया, उस वक्त होता है, बाद में थोड़ी याद करके रखता है इंसान. रूमर भी बोरिंग हो गए ना, लड़का लड़की या लड़का लड़की. अच्छा, हमारी लाइफ ये रूमर थोड़ा नया होगी. और एक कोई भी कंट्रोवर्सी हो एक्ट्रेस के लिए तो सही होता है. ओके, तो तकरीबन कितने किसिंग सीन होंगे आप लोगों के दोनों? मैंने काउंट नहीं किया. आई स्टॉप्ड काउंटिंग आफ्टर अ पॉइंट बिकॉज मेरे को लगता है कि यू नो वी काउंट किसिंग सीन्स एज इफ इट्स समथिंग टू सेल. लेकिन इस शो में हम लोग किसिंग सीन्स बेच नहीं रहे हैं. किसिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव. आप ये नहीं पूछते कि कितनी बार हाथ पकड़ा आपने शो में.
सो आई थिंक कि हम लोग को थोड़ा मतलब काम डाउन होना चाहिए कि यू नो किसिंग सीन है, किसिंग सीन है। हम स्टोरी सुनते भी हैं तो हम सिर्फ किस नहीं देखते, हम पूरी लव स्टोरी सुनते हैं, हम फील करते हैं, तब जाके हम उस स्टोरी के लिए अग्री करते हैं। इट्स नॉट बिकॉज उसमें किस है तो हमने अग्री किया है, लेकिन किसिंग सीन भरपूर है, लव मेकिंग सीन भरपूर है, बहुत बहुत भरपूर है। ऑल्सो बिकॉज दे आर मैडली इन लव, सो ऑफ कोर्स व्हेन टू पीपल आर मैडली इन लव दे विल किस ईच अदर, दे विल गेट इंटीमेट, वो लव मेकिंग होगा। तो जो भी है इट इज़ एज पर द स्टोरी, ऐसा कुछ बेचने के लिए नहीं है, नॉट वल्गर। इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी जहाँ पे जेंडर या और कुछ मायने नहीं रखता, बट सोल टू सोल एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो कनेक्शन दिखाया है। सो आई थिंक फिजिकली आई वुड से मैटर करता है, बट वो सेकेंडरी आता है, फर्स्ट इज लव, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है तो मतलब लिप टू लिप कनेक्शन तो होता ही है। वो तो ओके, अगर ट्रोलिंग की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से ऐसा कुछ भी आता है तो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है इंटरनेट पे, यहां पे सोशल मीडिया पे, हर चीज पे लेके ट्रोलिंग, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप रेडी हैं उन सब सारी चीजों? वेल वो ऑलरेडी हो चुका है, शुरू हो चुका है कि तुम ये रोल कैसे कर सकती हो, शर्म नहीं आती, दो लड़कियां कैसे किस कर सकती हैं, प्यार कैसे कर सकती हैं, दिस इज अननेचुरल। बट मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लव स्टोरी है, दिस इज़ अबाउट लव। हम वही एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लड़के लड़के के बीच में प्यार नहीं हो सकता, प्यार लड़की लड़की के बीच में भी हो सकता है, लड़के लड़के के बीच में भी हो सकता है, बट वो है कि हम उसे देखते नहीं हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम कई बार ऐसी ये चीज़ नहीं, पर कोई भी चीज़ हम कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, इट डजेंट मीन कि वो गलत है, वो चीज़ ही गलत है, हो सकता है वो चीज़ सही हो लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सो हम दुनिया को भी नज़रिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक सब आजकल बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, सो सारी चीज़ों को समझेंगे एंड प्यार को अप्रिशिएट करेंगे। कृष्णा आप क्या कहना चाहेंगे इसका? तो मैं थोड़ी ऑब्सेस्ड हूँ यूट्यूब कमेंट्स से, तो जैसे ही वीडियो रिलीज़ हुआ तो मैं यूट्यूब कमेंट्स पे जाती हूँ और उसे घूर घूर के सब यूट्यूब कमेंट्स को चेक कर लेती हूँ, उनके रिप्लाइज़ भी देखती हूँ, उन पर फाइट्स भी हो रही है तो देखती हूँ, लेकिन इस पर 95% अच्छे कमेंट्स थे। इनफैक्ट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने लिखा कि आई एम अ लेसबियन, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आई एम अ लेसबियन एंड थैंक यू सो मच दैट आप लोगों ने इस बारे में बात की। ऑब्वियसली देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ऑल्सो बोला कि द 5% के छी ये कैसे हो सकता है, और आपका दिमाग ख़राब है, भट फैमिली का तो प्रॉब्लम ही ये है, आप लोग तो मतलब कुछ भी दिखाते हो, ये छी घिनौना कैसा दिखा सकते हो, बट दैट इज़ 5% ऑफ द पीपल, आई थिंक नॉट इवन 3% ऑफ द पीपल, बट द रेस्ट 97% ऑफ द पीपल ने इतनी अच्छी कमेंट्स दी हैं। पीपल आर सेइंग कि दे आर वेटिंग टू सी समथिंग लाइक दिस, विच जस्ट शोज कि हाउ अंडर एस्टिमेटेड वी आर इन आर थिंकिंग। थैंक यू सो मच।